ससुराल वालों ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं अपने ससुर से निकाह करके शारीरिक संबंध बनाऊंगी। कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। योगी जी, मोदी जी, जो भी मेरे हमदर्द बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरी तकलीफ को, मैं यही कहूंगी अभी उनके ही कानून में मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। राजीव गांधी के समय साबानो केस में कांग्रेस ने जो गलती की थी, अब वही गुनाह उसने कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए तीन तलाक कानून बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है। एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने ट्रिपल तलाक देकर अपने भाई से हलाला करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। तो कह रहे हैं अब मेरे भाई से तुम मुन्ना उर्फ जावेद से हलाला करोगी निकाह करके तो इस दोबारा इस घर में रह सकती हो। तो मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा तमाशा बना के रखा है, मैंने इस बात से साफ इनकार करा। ये क्या बात हुई और क्या नाम, इस तरह से तो आपके पांच लड़के हैं तो सबके साथ ऐसे ही कराएंगे। अब बरेली की ये हलाला पीड़ित महिला मोदी और योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और तीन तलाक कानून पर सवाल खड़े करने वाले लोगों से पूछ रही है कि बेसहारा मुस्लिम महिलाओं की मदद कौन करेगा। हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि आदमी ने जब लिया तीन पत्थर तलाक तलाक के मार के हमें बाहर खड़ा कर दिया और हमें दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया, तो हम जैसी औरतें कहाँ जाएं? मैं योगी जी, मोदी जी, जो भी मेरे हमदर्द बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरी तकलीफ को, मैं यही कहूंगी अभी उनके ही कानून में मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस महिला का ये सवाल वाजिब है क्योंकि दो दिन पहले ही कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में पार्टी की एक नेता ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा था कि कांग्रेस सरकार में आने पर तीन तलाक कानून को खत्म कर देगी। वो एक और हथियार है, वो एक और हथियार है जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया है मुसलमान पुरुषों को जेल में डालने के लिए और थाने में खड़ा कराने के लिए। कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। कांग्रेस भले ही मुस्लिम महिलाओं के लिए बने कानून को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन बरेली में तीन तलाक की इस घटना पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या बरेली की निकाह हलाला की घटना आपकी अंतरात्मा को नहीं झकझोरती। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं समझती और कांग्रेस ने दिखा दिया है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की भी कोई परवाह नहीं है। साथियों, कांग्रेस ने अब खुल करके कह दिया है कि वो तीन तलाक चलने देगी, मुस्लिम बेटियों की बर्बादी होने देगी, तीन तलाक को रोकने के कानून का विरोध करती और कहते हम आएंगे तो इस कानून अगर मोदी ला करके जाएगा तो भी खत्म कर देंगे। वो भूल गई है कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है। वहीं इस मुद्दे पर जारी बहस को मुस्लिम समाज राजनीति बता रहा है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोग अब भी इस बात पर ही जोर दे रहे हैं कि तीन तलाक मजहबी मामला है, इसलिए इस पर राजनीति करने की बजाय इसे इस्लामी तौर तरीकों से ही खत्म किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी बीवियों को बगैर तलाक दिए छोड़ रखा है उनको 6-6 साल की सजा दे, बेमतलब के लिए, अपनी आन और शान के लिए छोड़ रखा है उनको, उनके लिए बिल लाना चाहिए। और वो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने ये कर रखा है, बीवियाँ छोड़ रखी हैं, दूसरी औरतें कर रखी हैं, उसके लिए कोई नहीं बिल लाया गया। ये तो सिर्फ मुसलमान को ह्यूमिलेट करने के लिए जितने काम हो सकते थे, जितने भी मराहिल हो सकते थे, वो 4.5 साल में आरएसएस ने, बीजेपी ने करके दे दिए। मुस्लिम समाज भले ही इस मामले पर राजनीति के आरोप लगा रहा हो, लेकिन खुद मुस्लिम समाज की अनदेखी की वजह से ही तीन तलाक आज मुस्लिम महिलाओं के शोषण का एक हथियार बन गया है। यही वजह है कि कानून बनने के बाद भी बरेली जैसे निकाह हलाला के मामले सामने आते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।